तो भाई खाना पीना सब हो गया है, अपना रिव्यू भी हो गया है, मेकिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गई है। पहले बताना चाहिए ना, हम तो कुछ जैसे भोजपुरी में या बिहारी भाषा में, तो अगर किसी को बिहारी भाषा में बुलाना हो आपके अपनी शॉप पे तो बताइए कैसे बोलेंगे आप? ऐसे तो मेरा जो बोर्ड जो जो बिहार के हो लोग भाई हमार, वो जो बोर्ड देख ली लोग बिहार के है, तो चंपारण देखते ही घुस जाता है, घुस जाता है, घुस जाता है। किसी से पूछ, पूछने की लौट ना, किसी से पूछेगा नहीं। अच्छा आपकी लोकेशन क्या है? ये पड़ेगा मॉडल टाउन, गुजरे वाला टाउन में। ओके, वर्तमान प्लाजा। ओके, गुजरे वाला टाउन। जीडी गोइंग का बिल्कुल साथ में ही है, तो जीडी गोइंग के साथ में। देखो यार, मतलब कलर देख के ही मजा आ गया भाई, कलर देख के रुका नहीं जा रहा। और मटन की जो खुशबू है ना, ये सिर्फ मैं ही यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ, मतलब इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं चंपारण मीट हाउस पे, और इनका जो है मटन हांडी और चिकन हांडी बहुत ही मशहूर है। तो ट्रैवलिंग यूडी के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। भाई आज हम एक स्पेशल आए हुए हैं, यहाँ पे चंपारण मीट हाउस है, और चंपारण मीट हाउस पे हमें मिले हैं भैया। भैया आपका नाम क्या पड़ता है? मेरा नाम पड़ेगा भानु प्रताप। भानु प्रताप, तो भानु प्रताप जी क्या लगा रहे हो पहले ये बताओ आप? ये मटन में बना रहा हूँ। मटन बना रहे हो आप, हांडी मटन जी, और चंपारण जिसे बोलते हैं चंपारण हांडी मटन। ओके, तो ये इनके रॉ मटन है, और पीस भी देख सकते हो बड़े अच्छे साफ सुथरे फ्रेश पीस लग रहे हैं बिल्कुल देखने में भी। तो अब शुरू करते हैं हम चंपारण मीट की, तो पहले रेसिपी दिखाते हैं आपको और साथ में भैया से बातें भी करते रहेंगे हम। तो चलिए भैया स्टार्ट कीजिए आप। ये सबसे पहले देख लीजिए पूरा साफ है हांडी का। हाँ, हांडी पहले आपने साफ करी है बिल्कुल। सरसों का तेल जला हुआ, 2.5 से 3 घंटा पकाते हैं सरसों का तेल। अच्छा, तब इसमें इसको डालते हैं लोग। यार एक बात बताओ, ये चंपारण मीट में ये लसन वाला मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आया। ये लसन खाला जाता है। एक बात बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? बिहार से। अच्छा, आप बिहार से ही हो, तभी ये आपने चूज किया हुआ है। तो ये बिहार की कितनी फेमस डिश है? ये बिहार में तो प्रॉपर बिहार में छाया हुआ है मटन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। किसी का बिहार में जिसको खाना होगा मटन, वो चंपारण मटन में खाता है, दूसरा कोई रेस्टोरेंट में नहीं खाता है। इसके पीछे क्या है, ये रहस्य क्या है चंपारण मीट? मतलब इसमें पानी नहीं पड़ता है, ये मसाले और प्याज पे ही बनता है। ओके, इसमें एक बूंद पानी भी नहीं। बिहार से कैसे मतलब आया एकदम से चंपारण? बिहार का एक जिला है चंपारण, वहीं से इसका। अच्छा, जिला है वहाँ पे, जिले का नाम चंपारण था। हाँ, चंपारण जिला है। तो वहाँ के लोगों ने मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा बनाने शुरू हुआ, इसका स्वाद बढ़िया लगा था, पूरा वायरल हो गया चंपारण मीट। इस समय दिल्ली में तो बहुत वायरल हुआ हुआ जी। मटन हम बना रहे हैं अभी 2 kg का हांडी। अच्छा, 2 kg की आप हांडी बना रहे हैं। हाँ। और भैया इसकी प्राइस क्या रहता है 2 kg का? 2 kg का तो हो जाएगा 2400। अच्छा, 1200 रुपए किलो का? 1200 रुपए किलो होता है। 1200 रुपए किलो का प्राइस है, 2 kg का हो जाएगा 2400। अच्छा 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 अच्छा, और वैसे 250 ग्राम से स्टार्ट करता है? 250 ग्राम आएगा तो उसमें 300 का क्वार्टर रहता है, 250 ग्राम। अच्छा, एक और बात बता दूं कि आधा किलो और 1 किलो वाली में हांडी देते हैं। हाँ। है ना, और उसके अलावा डब्बे वगैरह में? 250 ग्राम में छोटा सा डब्बा पैक होता है। ओके ओके ओके, तो चलिए कोई नहीं, 250 ग्राम का इतनी नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें आपके मेरा मसाला, ये जीरा पाउडर है। अच्छा, ये आएगा इसमें 3 चम्मच। ये नमक है। अच्छा, ये प्याज में ही सारा गुदा मिला रहे हैं? सारा मिलाएंगे। ये आएगा 3.5 चम्मच, और ये कश्मीरी मिर्चा है कलर के लिए। अच्छा, ये तीखी नहीं है? नहीं, तीखी नहीं है, कलर होता है। हाँ, क्योंकि मैंने भी देखा, अभी काफ़ी कस्टमर्स बोल रहे थे कि इनके खाने में ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है। हाँ। तो ये इनका जो है कलर के लिए ही है बस। हाँ, कस्टमर को जिसको ज़्यादा स्पाइसी होता है उसको अलग से बना के देते हैं, उसमें तड़का वगैरह में कर देते होंगे। हाँ, ये काली मिर्च पाउडर होता है। ओके, गोल मिर्च। ये हम लोग का बिहार का एक स्पेशल चंपारण का मसाला होता है, गरम। अच्छा, मसाला ये है असली राज। हाँ, ये ही मेन सीक्रेट मसाला। हाँ, मटन मसाला, ये सीक्रेट मसाला, मतलब आपका अपना। हाँ, ये सीक्रेट, यही मेन मसाला है। अच्छा, इसी का। हाँ, इसी का खेल सारा, इसी का। हाँ, इसी का स्वाद। ओके, तो अब ये सारा प्याज आपका। हाँ, और ये मटन मसाला। अच्छा, ये मीट मसाला आ गया इसमें। तो ये आप जो है चंपारण मसाला अलग से भी? हाँ, ये हम लोग नहीं सेल नहीं करते, हम लोग खुद अपने हाथ से इसको बनाते हैं। अपने हाथ से इसको मिश्रण करके बनाते होंगे आप? ये साबुत सारा ले आते हैं लोग और इसको बनाते हैं लोग अपने हाथ से। चलो, और ये हल्दी आ गई, हल्दी 1 चम्मच। अच्छा, थोड़ी बहुत लाल मिर्च डालते हैं, थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए, नहीं तो मटन मजा कौन खाएगा। तो पूरा मसाला हो गया। ओके, प्याज में आपने पूरा मसाला अच्छे से मसाला डाल दिए। अब इसमें डालेंगे 2 करछी तेल। अच्छा, इसमें भी 2 करछी तेल।
बाद भाई 250 ग्राम मटन का क्या प्राइस रहता है? 250 ग्राम मटन का हो जाएगा आपको 300। अच्छा 300 रुपए का 250 ग्राम मटन और चिकन? चिकन हो जाएगा 200 का। अच्छा 200 का, 200 का इनका 250 ग्राम। और आधा किलो? आधा किलो चिकन हो जाएगा 400 का और मटन हो जाएगा 600 का। ओके, और 250 ग्राम में कितने पीस आते हैं आपके? 250 ग्राम आएगा आपको 4 पीस। अच्छा 4 पीस आते हैं 250 ग्राम में, तो अच्छा क्वांटिटी दे रहे हैं। और प्राइसेस आर नॉट बैड, मटन का भी 4 पीस आता है, चिकन का भी 4 पीस। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे ये लोग तवा रोटी भी सर्व करते हैं। तवा रोटी होता है और लिट्टी होता है और चावल होता है। अच्छा लिट्टी और चावल होता है साथ में, और रुमाली रोटी। ये लिट्टी भी पूरी बिहार की? आप पूरा बिहार से सब कुछ लेके आए अपने साथ? अब ये 2 से 2.5 घंटे के लिए जाएगा आग पर, आग पे कम से कम 2.5 घंटा इसमें लग जाएगा, 2.5 घंटा लग जाएगा। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो ना, पूरा ऊपर तक ये पूरा भर चुका है अच्छे से, और इसके साथ भी मसाला गया, नीचे भी पूरे मसाले की तह लगी हुई है। सील कर दोगे आप? कर देंगे इसको। ओके, इसमें कोई करची कोई एक नहीं, ये जब पक के तैयार होगा तब ये खुलेगा। ओके, तो इसको आपको बीच बीच में हिलाना भी पड़ता है? हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा इसको शेक वगैरह करते होगे? हाँ, मिलावट करना पड़ता है अच्छे से मिल जाए और नीचे जले। और ये इनका एक यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है, प्रॉपर सिटिंग, फैमिली सिटिंग भी यहाँ पे अच्छी है, काफ़ी लोगों की सिटिंग बना रखी है भैया ने। यहाँ पे आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो भाई ये लग रही है अपनी लिट्टी। भैया ये लिट्टी किस चीज़ की होती है? आटे की होती है? आटे को होती है। ओके, इसमें अंदर चने का सत्तू होता है। अच्छा चने का सत्तू होता है। चने का सत्तू में वही जवाइन, मंगरेल, हरी मिर्च, धनिया, सरसों तेल, नमक, सारा मिलावट होता है इसमें। और लिट्टी भी बहुत फेमस है बिहार। बिहार का लिट्टी चोखा तो बहुत फेमस होता है, बहुत फेमस होता है ना? यहाँ लिट्टी और मटन। अच्छा लिट्टी, मटन और चावल? चावल, तावा रोटी। ओके, और रुमाली रोटी। और लिट्टी का क्या प्राइस रहता है? लिट्टी एक आता है 20 रुपए का। अच्छा एक 20 रुपए की आती है? हाँ, 20। बाकी जो आपने मटन लिया हुआ आप उसके साथ? ओके ओके। ये बीच बीच में हांडी को पूरा हिलाना पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हो ना भैया हिला रहे हैं। मतलब 2.5 घंटे लगातार तो नहीं रख सकते, नहीं तो नीचे लग जाएगी। तो भाई 2.5 घंटे के इंतज़ार के बाद ये देखो भाई अपना मटन बन के बिल्कुल तैयार हो गया भाई। अब देख लो 2.5 घंटे की मेहनत चल रही है दोस्तों। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भैया की वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, क्योंकि मेहनत भी पूरी है इस काम में। और ये देख लो आप अपना मटन कितना, कलर देखो यार, मतलब कलर देख के ही मज़ा आ गया भाई, कलर देख के रुका नहीं जा रहा अपना। और मटन की जो खुशबू है ना, ये सिर्फ मैं ही यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ। मतलब इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मटन की, वाह जी वाह, वाह जी वाह भैया, मज़ा आ गया। ये लहसुन देखो यार, पूरा पूरा पीस। ओहो हो हो भाई, सही बताऊँ मैंने चंपारण मीट ज़्यादा अभी कोई खास ट्राई नहीं किया, तो भाई आज मैं आपको जेन्युइनली बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। और बस आप सब आ जाओ अब यहाँ पे खाने अगर आपको मन है तो। नमस्कार भैया। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अनवर है। अच्छा, तो आप नॉर्मली यहाँ पे आते रहते हो? फर्स्ट जी सर, सेकंड बार आया हो यहाँ पे। अच्छा जी। तो आपको एक बात बताओ, वैसे नॉर्मल मटन में और इस वाले मटन में चंपारण में क्या फर्क लगा? चंपारण इज बेस्ट मटन। अच्छा, सुपर अच्छा लगा मुझे। बढ़िया लगा आपको? जी सर। तो आप नॉर्मली यहीं पे आके खाते? जी जी, यहीं आके खाते और बेस्ट क्वालिटी का और अच्छा मटन देते हैं। अच्छा, इसके लिए इनका टेस्ट भी अलग है सब जगह से। वो काफी मुझे पसंद आया और मेरी वाइफ को भी, तो हम दोनों यहीं आते हैं। ठीक है, आप थैंक यू। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन, और आपका क्या नाम है? अंकल रमेश कुमार सिंह। तो आप वैसे नॉर्मली यहाँ पे आते रहते हो? हम तो पहली बार आए हैं। अच्छा पहली बार आए हो, तो पहली बार के हिसाब से एक बार ऑनेस्टली बताना कैसा लगा? आपने तो वैसे भी चंपारण मीट पहले भी खाया हुआ है। बढ़िया था टेस्ट, काफी बढ़िया था टेस्ट, काफी अच्छा है इनका। नॉर्मल मटन और चंपारण मटन में क्या फर्क है, मतलब कुछ टेस्ट में? ये हांडी से बनाए हैं ना, हांडी में बना रहे हैं तो हांडी टेस्ट का थोड़ा फर्क होता है, और मेन जो पकता काफी अच्छा है मटन। अंदर तक मसाला, मसाले ना इसके रिच जाते हैं, ज्यादा स्पाइसी नहीं है। ज्यादा स्पाइसी नहीं है, तो मतलब आपके हिसाब से दी बेस्ट है। क्योंकि चंपारण मीट भी मैंने देखा हर जगह का भी अच्छा नहीं होता, किसी किसी जगह पे ही बहुत बढ़िया बनता है। हम लोग सिंधु बॉर्डर से आए हैं भाई साहब खाने के लिए। अच्छा आप सिंधु बॉर्डर से आए हैं, देख लीजिए अभी सिंधु बॉर्डर से यहाँ पे आए हैं, तो अगली बार भी आप यहीं आने वाले हैं। अब तो हम अपने पूरे ग्रुप में बताएंगे ना, लेकिन भाई साहब हमको कुछ डिस्काउंट करेंगे तब ना। अरे इनके तो प्राइजेस मैंने देखे वैसे भी बहुत अच्छे प्राइजेस हैं, मतलब प्राइजेस वाइज भी इतना कोई ज्यादा नहीं है। और भैया खुद ही यहाँ पे बिहार से बिलोंग करते हैं, तो एक जो वहाँ की रेसिपी है मोस्ट फेमस है इनका, लिखी चोटा भी बहुत फेमस है यहाँ का। हाँ जी, लिखी चोटा बनाते हैं, लिखी चोटा भी बनाते हैं लोग। तो नेक्स्ट टाइम आप आइएगा तो ये एक्चुअली बिहारी टेस्ट लेता है, और उसके साथ लिखी चोटे के साथ ना ये मटन सर्व करते हैं। मतलब आपको पहले बताना चाहिए ना, हम तो लिखी मटन खाते भाई।
तो कोई आदमी अब अगली बार भी आप कह रहे हैं, अगली बार एडवांस में बुकिंग करके जा रहे हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। ओके जी, लेकिन विशेष थोड़ा सामने तो भाई ये लग चुका है अपना चिकन, चंपारण चिकन भाई। देखने में देखो यार, इसका रोगन देखो एक बार भाई, मज़ा आ गया, मज़ा 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 बांध देगा भाई। और मटन देखो, मटन भैया, मटन में और चिकन में दोनों के मसाले अलग अलग हैं। तो और साथ में तवा रोटी, तवा रोटी देख लो यार, क्या बढ़िया सिकी हुई तवा रोटी है मतलब। तो भाई पहले तो इनका हम मटन ट्राई करते हैं। लाओ भैया थोड़ा नींबू भी दे दो हमें, नींबू प्याज में नींबू के बिना ना मज़ा नहीं है। हाँ चलो, नींबू आ गया प्याज में। और भाई इनका मैं पहले मटन ट्राई करता हूँ, चंपारण मटर। ये देख लो यार पीस देखो आप, क्या गला हुआ पीस है, मतलब पूरा इस समय गल चुका है पीस अच्छे से। और यार ग्रेवी देखो यार, कितनी थिक ग्रेवी है। और भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल दोस्तों। भाई एक तो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब लग ही नहीं रहा, बिल्कुल घर का बना हुआ मीट लग रहा है। और इतने अच्छे से इसके जो मसाले हैं ना, मतलब मटन के अंदर प्रॉपर अंदर तक रिझेवे, मतलब आप देखो ना मटन का पीस देखो यार, कितने अच्छे से ये मटन कुक्ड हो रखा है। मटन में भी इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है ना, क्योंकि इसके जो मसाले हैं ना, वो जो इनकी 2-2.5 घंटे की जो प्रिपरेशन ये बता रहे हैं, उसके अंदर में अच्छे से इसके अंदर रिझ चुका है, वेरी नाइस। और आप रोगन देखो, मतलब कितना प्यारा रोगन आ रहा है, क्या प्यारा कलर आ रहा है इसका। तो भाई अब मैं इनका टेस्ट करने जा रहा हूँ दूसरी आइटम, जो कि है चिकन, चिकन हांडी में बना हुआ। और चिकन के ऊपर भी आप रोगन देखो। मैं आपको ना एक और बात भी बताऊँ दोस्तों, जो नॉर्मल हम शॉप्स वगैरह पे अगर चिकन वगैरह मटन वगैरह खाते हैं ना, वो जैसे कई बार काफ़ी टाइम का कुक्ड भी होता है और वो गर्म होता रहता है और वो मिलता रहता है। इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि ये हांडी के अंदर, भले आपने आपके सामने आपने देखा होगा बिल्कुल ताज़ा, अभी इन्होंने जैसे निकाला हांडी में से, तो इसमें जो एक फ्रेशनेस है ना चिकन की, और जो इसके मसाले बिल्कुल अंदर तक इसमें रजे हुए हैं, वो एक इसको थोड़ा अलग बना रहे हैं मतलब सबसे। और बाकी भाई आप इनका एक चिकन हांडी वाला टेस्ट करते हैं। भाई आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत ही बढ़िया। बट हालांकि मैं मटन लवर ज़्यादा हूँ, तो मटन लवर मटन का तो कोई जवाब ही नहीं है। बट अगर कोई चिकन भी खाएगा तो चिकन भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, चिकन का भी कोई मुकाबला नहीं है। मैं मटन अपनी जगह, जैसे कि जो मटन लवर है, जो घर का मीट घर का कुछ खाने जाते हैं, वो आए बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं है, बिल्कुल हल्के मसाले में बना हुआ और प्रॉपर रिझा हुआ मटन और चिकन है, मेरी तरफ से थम्स अप है। और भैया मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अभी हमें भैया ने बताया था कि अगर आप 250 ग्राम का मटन या चिकन लेते हैं तो वो एक बॉक्स पैकिंग के अंदर जाता है, और अगर आप हाफ केजी लेते हैं तो ये हाफ केजी की हांडी देख रहे हो आप प्यारी सी। ये हांडी ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लगी है, मतलब आप हांडी इस समय जहाँ भी देख रहे हो ना, मतलब एक अलग ही जैसे इसमें प्रिपरेशन है ना, वो एक बहुत ही अट्रैक्शन है उसकी। और इसके अंदर जाता है आपका हाफ केजी, और 1 केजी की हांडी तो आप देख ही चुके हो, वो बड़ी वाली है। तो 250 ग्राम बॉक्स में हाफ केजी इसके अंदर और 1 केजी भी उसके हांडी के अंदर। तो चलिए, और भोजपुरी में कैसे बोलते हैं बिहारी भाई? तो जो देख ली वो तो खुद आ जाए, चंपारण का बोर्ड देखते ही खुद आ जाए, और चंपारण का वीडियो देखते ही खूब सारे आ जाओ। हाँ, क्योंकि सारे बिहारी को पता है। भाई मैं एक बात बोलूँगा, मतलब जो चंपारण का जो ओरिजिनल टेस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं भैया उसको बिल्कुल कायम किए रखे हैं। हम लोग तो बिहार का ही है, बिहारी है, सब बिहार के सारे भाई लोग इधर आ जाइए, है ना? ऐसे ही बोलते हो मतलब।